नाउ लाइव हर जुर्म का पर्दा। बिहार के ज्यादातर जिलों के स्कूलों की जमीन अतिक्रमण की चपेट में है। बड़ी बात यह भी है कि जिलों के पास बड़ी संख्या में स्कूलों की जमीन के कागजात ही नहीं है, कई कागजात गायब हैं। कहीं है भी तो वहां और किसके पास रखे गए हैं उसकी जानकारी न तो फिलहाल जिला शिक्षा प्रशासन को ही और न ही शिक्षा विभाग को। जब सरकारी स्कूलों की पड़ताल की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि स्कूलों की जमीन अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है। वही महाराजगंज के आद्या उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज पटेड़ी की जमीन पर अतिक्रमण का चर्चा जोरों पर है। वही स्कूल के जमीन को मुक्त कराने के लिए प्रिंसिपल राधाव कुमार भिष्कार के आवेदन पर भी प्रशासनिक विभाग द्वारा अवैध कब्जे से मुक्त नहीं करवाना सवालिय निशान खड़ा हो रहा है। वही ये सिर्फ महाराजगंज की बात नहीं है, सिवान के 60% स्कूलों के पास कागजात नहीं है, 30% स्कूलों की जमीन पर अवैध कब्जा है। गोपालगंज में 19 स्कूलों की जमीन पर अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा हटाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जल्द कार्रवाई आखिर कब होगी? सारण की 20% स्कूलों के पास जमीन के दस्तावेज नहीं है। क्या कुछ मामला है यहाँ पर? बच्चे आकर हमला किए और आपके आप लोग यहाँ पर घर बना रहे हैं और घर को रुकवा दिए बनाने से? हम लोग 2019 में जमीन रजिस्ट्री कराएँ और हम लोग अपना रसीद भी कटवा लिए हैं और उसका जो लगान जो खर्च सब हम लोग पेड कर चुके हैं। अपना हम लोग काम करा रहे हैं अपने जमीन में और मास्टर साहब आकर के इसको एथी कर रहे हैं, रोक रहे हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। जय प्रसाद घर पटेड़ी। क्या कुछ मामला है कि यहाँ पर बच्चे आकर हमला किए और आपके काम को रुकवा दिए? हम लोग अनिल सोनी से जमीन लिए हैं 2019 में। हम लोग नाम से हम लोग रजिस्ट्री कराए हैं, बैनामा जमीन है, इसका दाखिल भी खारिज कराए हैं, इसका रसीद भी हमारे पास है। हम अपने जमीन पर अपना काम करा रहे हैं। मास्टर साहब लोग स्कूल का जमीन का दावा करके हमारा काम रुकवा रहे हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गुड्डू बरनवाल है। घर बरौली। सर क्या कुछ मामला है? पटेड़ी हाई स्कूल का जमीन है, ये अतिक्रमण हो रहा है। कहाँ पर? रोड के किनारे। क्या इसको लेकर आप संबंधित अधिकारी को आवेदन दिए हुए हैं? सीओ साहब के जो है आवेदन कल भिजवाए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीओ साहब द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? कुछ दिया गया कि नहीं? कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया। उसके बाद वहाँ पर क्या हो रहा है? जमीन जब कब्जा हुआ है तो क्या हो रहा है? हम लोग जाकर जो है मना कर दिए हैं कि कहे हैं इसको रोक दीजिए, हम लोगों का विद्यालय का जमीन है, लेकिन वो मान नहीं रहे। शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारी को आपके द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि नहीं? ग्रुप में भेज दिया गया है। उसके बाद क्या शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कुछ? कोई आश्वासन नहीं। कुछ आश्वासन नहीं। वो जिला अधिकारी को आवेदन दिए हैं? जिलाधिकारी। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। प्रधानाचार्य आद्या उच्च विद्यालय।